नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अफना सिंह। तो इस वीडियो में जीमेल किस तरह से यूज करते हैं, जीमेल हो या फिर कोई सा भी मेल हो, ईमेल किस तरह से यूज करते हैं, रिप्लाई कैसे करेंगे, किसी को मैसेज भेजना हो, ईमेल भेजना हो तो कैसे करेंगे, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ही जब देखोगे तो नीचे यहाँ पर देख सकते हो आप, गूगल का सारा प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पर, इसी में जीमेल भी है। ठीक है, तो अगर नहीं हो तो आप जाके प्ले स्टोर से, ये प्ले स्टोर है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कुछ भी कर सकते हो। जीमेल करना सब फ्री है बिल्कुल, अगर आपके पास नहीं है तो है तो इस तरह से आइकॉन दिखेगा, उसमें जाके देखोगे जब, जिसको ओपन करोगे ऐसे ही, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा सामने आपके। उसके बाद ये जीमेल है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा, अगर आप पहले से ही लॉगिन रहोगे तो, क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूँ तो एक मेरी ईमेल आईडी से खुली हुई है, तो इसमें देखो बहुत सारे मेल आए हुए हैं, यही सब मेल है जो इनबॉक्स यही है जो दिख रहा है आपके सामने फ़ोन पे, एक मैं दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल पर ही। मान लो दो कंडीशन हो सकता है, या तो आप नए नए ओपन करोगे, जब नए ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने नहीं दिखेगा, या ये भी हो सकता है कि आप जैसे मेरा है इस तरह से दिखेगा क्योंकि आप पहले से कोई ईमेल उसमें खुला हुआ है, लेकिन आपको दूसरा बनाना है नया, तो आपको इस पे ऊपर जो यहाँ पे एक आइकॉन है उस पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करोगे तो नीचे जब जाओगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अनदर अकाउंट। देखो आप पहले से ही लॉगिन रहोगे तो लिख के आएगा कि ऐड अनदर अकाउंट, लेकिन आप अगर पहले से लॉगिन नहीं रहोगे, नए नए ओपन करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि ऐड एन अकाउंट, मतलब कोई एक अकाउंट आपको ऐड करना है, तो आपको बस उसी पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपके सामने ऐसे आएगा कि सेटअप मेल, गूगल आउटलुक कौन सा करना है, तो आपको गूगल करना है, गूगल पे क्लिक कर देना है। चेकिंग इन्फो कर रहा है, उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखेगा, साइन इन पूछ रहा है, साइन इन करना है। नीचे देखोगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, जब नया नया खोलोगे आपके सामने तो या तो आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पे ईमेल डाल के आगे बढ़ोगे तो पासवर्ड मांगेगा तो खोल लो, इस तरह से होगा, लेकिन आपके पास अकाउंट है ही नहीं तो आपको क्या करना है, क्रिएट एक अकाउंट आपको क्रिएट करना है, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछेगा फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो फॉर माई सेल्फ अपने लिए आप कोई अकाउंट बनाना चाहते हो, उसके बाद उसी पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद इस तरह से आपके सामने दिखेगा, बोल रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो भी डाल, जैसे मेरा नाम है अभिनव तो मैं डाल देता हूँ अभिनव, लास्ट नेम है सिंह तो मैं डाल देता हूँ सिंह। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे करोगे तो देखो, नेक्स्ट पे करोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा दोस्तों, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगेगा, तो आप DOB भी जो आपको हो भर दो उसमें, जैसे महीना, जैसे मेरा जुलाई है तो मैं जुलाई भर देता हूँ, डे है 17 है मेरा तो 1/7 भर दो। ठीक है, ईयर जैसे 1994 तो भर दो उसको, जेंडर मेल है भर दो उसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आएगा कि आप कोई सा एक ईमेल एड्रेस बनाओ जो आपको सुटेबल हो, जो आपको, जैसे मेरा नाम अभिनव है या आपका नाम कुछ है तो उसी हिसाब से आप बनाना चाहते हो, या फिर क्विक हिंदी के नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, किसी के नाम से बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैं क्विक हिंदी के नाम से बना रहा हूँ, मान लो कोई ऐसा क्विक करके हिंदी लिख दो यहाँ पे, फिर उसके बाद जैसे मेरा 17 था DOB 17/7 ऐसे लिख दिया ताकि ये ले ले, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आप नेक्स्ट पे कर दो, आप मान लिया ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे करोगे जब आप, तो आपको पासवर्ड मांगेगा, कोई सा भी एक पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो जो, लेकिन याद रखना है आपको पासवर्ड, मैं डाल देता हूँ कोई सा पासवर्ड, तो पासवर्ड भी मैंने डाल दिया, फिर नेक्स्ट पे करना है आपको, पासवर्ड याद रखना है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी हो गया, फिर बोल रहा है ऐड फोन नंबर, ये सब कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो अभी स्किप कर दो, ये सब बन गया मतलब आप, लेकिन ऐड कर दो सही रहेगा, ऐड कर दो सब कुछ कर दो, क्योंकि ताकि कोई आपका ओपन ना कर सके, आपके पास मैसेज आएगा, ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ इसको अभी। अभी देखो मेरा अकाउंट बन चुका है, रिव्यू और अकाउंट इन्फो पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन आप रिव्यू कर लो, कर लो नेक्स्ट करके चेक कर लो सब कुछ भी, जैसे इस तरह से है, बहुत कुछ है इसमें है, तो आप आई एग्री कर दो। तो अब दोस्तों आपका एक अकाउंट बन चुका है, अब मेरे पास क्या है, कई सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है, अकाउंट बनाना आसान है, अकाउंट बन चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपको कहीं पर ईमेल भेजना हो, मान लो मैं उसमें लॉगिन कर, जो नया हुआ बनाया अभी,
देखो ये नीचे चला गया, ये अभिनव सिंह नाम से यही आ रहा, मैंने अभी अभी बनाया। तो एक मेल आया है गूगल टीम की तरफ से, हाय अभिनव ये सब आया, वेलकम वगैरह वगैरह। तो एक ही मेल इसमें है, लेकिन मान लो नया मेल आपको भेजना है कहीं पे, तो आपको क्या करना है, तो ये जो प्लस का आइकॉन नीचे दिखता है अभी, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको कंपोज मेल देखो नीचे लिख के आ चुका है, कंपोज टू मतलब जहाँ पे आपको भेजना चाहते हो आप मेल। जैसे मेरा एक दूसरा मेल है क्विक हिंदी 7 करके, मैंने बनाया था पहले क्विक हिंदी 7 करके, ये मेल है और जीमेल पे है ये क्विक हिंदी 7 पे हमको कुछ भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या भेजना है, सब्जेक्ट पूछता है, सुने होंगे आप लोग कि सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ क्या है। सब्जेक्ट में कुछ भी ऐसे लिख दो क्वेरी, ठीक है, कोई सा भी क्वेरी आपका। कंपोज मेल यहाँ पे जो कहना हो आपको वो आप बोल सकते हो, मान लो हाउ आर यू कुछ भी, ये आपका मेल हो गया। अब ये सब लिखने के बाद ना ये जो ऊपर यहाँ पे दिखा हुआ है ना सेंड, सेंड कर दो, सेंड कर दिया मैंने। अब क्या, मैंने अपने पास खुद ही भेजा है तो उस वाला मेल को ओपन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से दिखता है। क्विक हिंदी 7 इसी पे मैंने भेजा था। अब देखो यहाँ पे जब भेजा था मैंने, यहाँ पे ये आ गया मेरे वाला मेल, मतलब अभिनव सिंह की तरफ से आया है क्वेरी, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि हाउ आर यू। अब देखो ये, अब इसको ओपन करोगे आप मेल को, अब पूछा क्या हाउ आर यू, मान लो कोई मेल है आपके पास, आपने उसको पढ़ा, फिर आपको उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करना है तो यहाँ पे देखो रिप्लाई का बटन दिया हुआ है, ये भी एक है यहाँ पे देख रहे हो, ये भी एक रिप्लाई का बटन है, मतलब इस पे भी क्लिक करके आप रिप्लाई कर सकते हो और इस पे भी क्लिक करके आप रिप्लाई कर सकते हो। और फॉरवर्ड का मतलब जो नीचे फॉरवर्ड है ये अलग है, ये फॉरवर्ड यहाँ पे भी लिखा हो, यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप दूसरे के पास सेम मेल भेजना चाहते हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। यही मेल मान लो आया आपके कोई सा, आप चाहते हो किसी और के पास भेज दूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो चला जाएगा, लेकिन आपको रिप्लाई करना है उसी पे, तो आप रिप्लाई करने के लिए आप रिप्लाई पे क्लिक करोगे। पूछा था हाउ आर यू, मान लो ऐसे आई एम फाइन भेज दिए आप, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके जो ऊपर मैंने बताया ना आपको, ये देखो ये यहाँ पे क्लिक करके आप सेंड कर दो, गया। अब आपका रिप्लाई भी सेंड हो गया, अब उधर गया होगा चेक कर लो, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको भी, जैसे ये इस पे भेजा था मैंने, तो ये देखो ये क्विक हिंदी से रिप्लाई आया है कि आई एम फाइन, है ना, जैसे मैंने भेजा था हाउ आर यू, फिर आई एम फाइन आ गया। तो इस तरह से आप मेल भेज सकते हो, मेल रिसीव कर सकते हो और मेल आईडी आप नया बना सकते हो। तो ये छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी, कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। वैसे मेरे पास जो सवाल आते हैं ना उसी का वीडियो मैं बनाता हूँ, तो आपके से सवाल हो आप कमेंट बॉक्स पूछना, कभी उसका भी नंबर जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।